अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24 फरवरी को अपने भारत दौरे से पहले बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के सामानों पर लगने वाले शुल्क पर $265 मिलियन का जुर्माना लगाया है। इससे पहले अमेरिका ने भारत को विकासशील देशों की सूची से बाहर कर दिया था। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ने इस हफ्ते विकासशील देशों की सूची से भारत को बाहर कर दिया है। इसका मतलब यह है कि भारत अब उन खास देशों में नहीं रहेगा जिनके निर्यात को इस जांच से छूट मिलती है कि वे अनुचित सब्सिडी वाले निर्यात से अमेरिकी उद्योग को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। इसे काउंटरवेलिंग ड्यूटी जांच से राहत कहा जाता है। इस सूची से ब्राजील, इंडोनेशिया, हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना को भी इस सूची से बाहर कर दिया गया है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह लिस्ट 1998 में बन गई थी और अब अप्रासंगिक हो चुकी है। भारत को विकासशील देशों की सूची से बाहर कर देने से सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अमेरिका की तर्ज ती ही फायदों वाले जर्नलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस में फिर से शामिल होने की भारत की उम्मीदों पर तुषारापात हो गया है। कई तरह के फायदों वाले इस सूची में सिर्फ विकासशील देशों को रखा जाता है, यानी अमेरिका ने बड़ी चालाकी से भारत के इनमें शामिल होने के रास्ते ही बंद कर दिए हैं। पिछले साल जब अमेरिका ने इस सूची से भारत को बाहर किया था तो भारत ने यह मजबूत तर्क दिया था कि GSP के फायदे सभी विकासशील देशों को बिना किसी लेन देन की शर्त के साथ मिलने चाहिए और इनका इस्तेमाल अमेरिका अपने व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं कर सकता। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।